नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर फिल्म 2020 में आपका स्वागत है। इन्वायरमेंट के रिवीजन का ये हमारा 7वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम दिसंबर महीने के इन्वायरमेंट से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्लोन फिश के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, एक स्टडी सामने आई जिसमें कहा गया कि अगर तेजी से इन्वायरमेंट चेंज होता है तो क्लोन फिश अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाती और इससे काफ़ी बार डेथ हो जाती है क्लोन फिश की। क्लोन फिश देखो काफ़ी ज़्यादा फेमस है स्कूबा डाइवर्स में, मतलब समुद्र के नीचे एंटरटेनमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए जो गोताखोर जाते हैं उनके बीच ये मछली काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने रंग रूप के कारण। तस्वीर में आप देख सकते हो किस प्रकार से कलर्ड ये फिश होती है। क्लोन फिश वाइट, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, ये सब कलर्स होते हैं क्लोन फिश में। क्लोन फिश की वैसे देखो काफ़ी सारी स्पीसीज होती हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन स्पीसीज हैं वो है कॉमन क्लोन फिश। वैसे 28 के आसपास इनकी स्पीसीज होती हैं। वाट डिज्नी की एक मूवी है फाइंडिंग नेमो, इस मूवी की वजह से क्लोन फिश काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। कहाँ पर मिलती हैं? पैसिफिक और इंडियन ओशन के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में इस मछली को देखा जा सकता है। पपुआ न्यू गिनी में इस फिश की सबसे ज़्यादा वैरायटीज देखने को मिलती हैं। और वैसे देखो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहां पर भी काफी सारी यूनिक वैरायटीज देखने को मिलती हैं क्लोन फिश की। लास्ट में देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन जिसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है, आप मुझे एक बात बताइए, क्लोन फिश की सी एनिमोन के साथ कैसी रिलेशनशिप है? इस तस्वीर में आपको ये सफेद रंग की घास टाइप की जो चीज दिख रही है ये है सी एनिमोन। इसकी क्या रिलेशनशिप है क्लोन फिश के साथ? कई जगह पर यह लिखा हुआ है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, जबकि कई जगह पर यह लिखा हुआ है कोमेंसलिज्म, मतलब दोनों के बीच ऐसी रिलेशनशिप है एक को फायदा होता है दूसरे से और दूसरे को कोई फायदा नहीं होता है ना ही नुकसान होता है। मतलब जो सी एनिमोन है उसको तो देखो फायदा होता है क्लोन फिश जब उनके साथ रहती हैं इस प्रकार से चिपकी हुई, क्योंकि दूसरी ऐसी मछलियां जो इनको खाती हैं सी एनिमोन को वो खाने नहीं आती हैं जब क्लोन फिश इनके साथ चिपकी हुई होती है, जबकि क्लोन फिश को इनसे कोई फायदा नहीं होता है। तो थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन है, अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बातें बोल रहे हैं। अगला आर्टिकल देखो ध्यान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। एक न्यूज काफी ज्यादा सुर्खियों में आई है, एक टाइगर 1300 किलोमीटर की यात्रा करता है। किस लिए यात्रा करता है? नॉर्मल सी बात है, अपनी टेरिटरी इस्टाब्लिश करने के लिए, शिकार की खोज में और मेट की खोज में वो 1300 किलोमीटर की यात्रा करता है महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना के बीच। बीच में देखो वो ट्रेवल करता है ध्यानगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तिपेश्वर टाइगर रिजर्व, ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन वैसे ये आया होगा, पता कैसे लगा फॉरेस्ट अथॉरिटीज को कि इस टाइगर ने 1300 किलोमीटर की यात्रा की है? देखो ये जो फॉरेस्ट अथॉरिटीज वाले हैं, जब टाइगर का जन्म होता है तो वो गले में एक कॉलर बांध देते हैं, रेडियो कॉलर, तो उसकी सहायता से फॉरेस्ट अथॉरिटीज के द्वारा इस टाइगर के रूट को ट्रैक किया जा सका। तो हम बात करें ध्यानगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जिसके थ्रू टाइगर महाराष्ट्र से तेलंगाना में पहुंचा। ये देखो ध्यानगंगा सेंचुरी महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है और ये ध्यानगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मेलघाट टाइगर रिजर्व का पार्ट है। मेलघाट टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में है, ध्यानगंगा रिवर के नजदीक है ये ध्यानगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ध्यानगंगा रिवर जो है वो ताप्ती रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा देखो जो टिपेश्वर टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र के यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ से काफी सारी नदियां गुजरती हैं जैसे पूर्णा, कृष्णा, भीमा, ताप्ती। यहाँ पर पानी की क्वांटिटी अच्छी खासी है, इसीलिए महाराष्ट्र में इस रीजन को ग्रीस ओसिस के नाम से भी जाना जाता है। ओसिस का क्या मतलब होता है? जब देखो मरुस्थल में यानी डेजर्ट में कोई ऐसा स्पॉट आता है जहां पर फर्टिलिटी ठीक ठाक होती है तो उस चीज को कहा जाता है ओसिस। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल देखो ऑपरेशन क्लीन आर्ट के बारे में है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले मंगूस के बारे में आप जान लीजिए। ये स्क्रीन पर तस्वीर है मंगूस की। मंगूस जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में आते हैं और मंगूस के बॉडी पार्ट की स्मगलिंग होती है या फिर अगर किसी के पास मंगूस का कोई बॉडी पार्ट मिलता है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। देखो होता क्या है, मंगूस के जो बॉडी हेयर्स हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है,
पेंटर्स जिस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं पेंटिंग के लिए, उनमें मंगूस के हेयर्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि देखो मंगूस के हेयर से अगर ब्रश बनाया जाता है तो अच्छा पेंट होता है और कलर ज़्यादा समय तक होल्ड रहता है। तो इसी वजह से मंगूस के हेयर्स की डिमांड रहती है, स्मगलिंग होती है, काफ़ी बड़े स्केल पे हत्याएं भी होती हैं मंगूस की। IUCN की रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। और मंगूस की 6 स्पीसीज इंडिया में मिलती हैं, इंडियन ग्रे मंगूस, स्मॉल इंडियन मंगूस, रूडी मंगूस, क्रैब ईटिंग मंगूस, स्ट्राइप नेक्ड मंगूस और सबसे लास्ट में ब्राउन मंगूस। 6 की 6 जो स्पीसीज हैं वो साइट्स, जो कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है इंडेंजर स्पीसीज के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, साइट्स कन्वेंशन के अपेंडिक्स 3 में आती हैं। और कॉमर्शियल ट्रेड इनका नहीं हो सकता, 0 कोटा है कॉमर्शियल ट्रेड के लिए। इन 6 स्पीसीज में से जो इंडियन ग्रे मंगूस है वो देखो सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा इसी इंडियन ग्रे मंगूस का शिकार होता है। तो अब बात करें हम कंटेक्स्ट की, यानी ऑपरेशन क्लीन आर्ट की। तो पूरे भारत में ये ऑपरेशन चलाया गया है, कंसीव किया गया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, ताकि मंगूस को जो मारा जाता है इनके बॉडी हेयर प्राप्त करने के लिए ताकि ब्रश बनाया जा सके, इस क्राइम पर लगाम लगाना। जो भी रैकेट अभी फिलहाल एक्टिव हैं मंगूस को मारने के लिए, इनकी हंटिंग के लिए, उन रैकेट्स को पकड़ना, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन क्लीन आर्ट लॉन्च किया गया है, समझ गए, ताकि स्मगलिंग जो है मंगूस के हेयर्स की ना हो और मंगूस की हंटिंग ना हो, बड़े स्केल पर इनकी हत्याएं ना हो, इनकी जो संख्या है वो मेंटेन रखी जा सके, इनको कंजर्व किया जा सके। तो UPSC अगर पूछती है ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे संबंधित है, मंगूस को बचाने से संबंधित है, इनकी बॉडी हेयर्स की स्मगलिंग को रोकने से संबंधित है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर बीचेस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट ये है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने राज्यसभा को सूचित किया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर बीचेस के बारे में। क्या है ये ब्लू फ्लैग प्रोग्राम? अगर देखो कोई बीच या फिर मरीना क्या होता है, ये देखो एक छोटा सा हार्बर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टूरिज्म के लिए या फिर स्मॉल बोट्स के लिए। तो अगर कोई बीच या फिर मरीना क्लीनिनेस के सर्टेन क्रिटेरिया पर खरा उतरता है और वहाँ पर इकोलॉजी का पूरा ध्यान रखा गया है, वहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सुख सुविधाएं हैं टूरिस्ट के लिए, तो उस बीच को या फिर मरीना को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल सकता है। और किसके द्वारा ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है? एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE, डेनमार्क में स्थित है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। देखो ये ब्लू फ्लैग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ सबसे पहले फ्रांस में 1985 में, और बाद में 1987 से यूरोप के दूसरे कंट्रीज में इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया गया, और 2001 के बाद से इसे यूरोप के आउटसाइड कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया गया। मतलब यूरोप के बाहर जो देश हैं उनमें भी वेरियस बीचेस को और मरीनास को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी गई, क्लीनिनेस के आधार पर, एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी के आधार पर और टूरिस्ट के लिए एमिनिटीज़ के आधार पर। देखो 4 कैटेगरीज में 33 पैरामीटर्स को परखा जाता है किसी बीच या फिर मरीना को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देने के लिए। पहली कैटेगरी है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, दूसरी बाथिंग वाटर क्वालिटी, तीसरी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, चौथी सेफ्टी एंड सर्विसेज ऑन बीचेस। इंडिया की बात करें, उड़ीसा के कोणार्क कोस्ट पर चंद्रभागा बीच है, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है और ये एशिया में पहला बीच है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। स्पेन में देखो सबसे ज़्यादा बीच ऐसे हैं जो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड हैं, उसके बाद फ्रांस का नंबर आता है और उसके बाद टर्की का। चलते हैं आगे, इंपोर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में है। ये इंडेक्स देखो पब्लिश किया जाता है एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल थिंक टैंक है जिसका नाम है जर्मन वॉच। इस जर्मन वॉच थिंक टैंक के द्वारा ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। इस इंडेक्स में विभिन्न देशों को रैंकिंग दी जाती है किस आधार पर, देखो किस देश को वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट्स जैसे कि स्टॉर्म्स, फ्लड्स, हीट वेव्स,
इन वेदर लोस इवेंट्स ने कितना प्रभावित किया है किस देश को, उसके आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी जाती है इस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। अगर देखो कोई देश स्टॉर्म से, फ्लड से या फिर हीट वेव से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो उसको टॉप की रैंकिंग प्राप्त होगी, और उसके बाद उसी प्रकार से जो देश जितना प्रभावित हुआ है उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है इस इंडेक्स में विभिन्न देशों को। तो जापान को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है फिलीपींस, तीसरा जर्मनी, चौथा मदगास्कर और पांचवा इंडिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जापान में आखिरकार ऐसा क्या हुआ 2018 में कि इस इंडेक्स में जापान को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। देखो 2018 में जापान में सीवियर समर हीट वेव आई जिसकी वजह से 138 लोगों की डेथ हो गई और ऑलमोस्ट 70,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज किए गए हीट स्ट्रोक की वजह से, और वो एग्जास्ट फील कर रहे थे। इसके बाद दूसरा नंबर जो है वो है फिलीपींस का। फिलीपींस में क्या हुआ था 2018 में? फिलीपींस में देखो एक बड़ी इंटेंसिटी का टाइफून आया था जिसका नाम है मैंगहट, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। और तीसरा जो स्थान है इस इंडेक्स में वो है जर्मनी का। जर्मनी में अप्रैल 2018 से लेकर जुलाई 2018 के बीच काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, रिकॉर्ड गर्मी थी, जिसकी वजह से 1200 लोगों की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट जो स्थान है वो है मदगास्कर का। मदगास्कर में देखो दो साइक्लोन आए 2018 में जिसकी वजह से 70 लोगों की डेथ हो गई और 70,000 लोगों को किसी दूसरी जगह पर आश्रय लेना पड़ा। और पांचवा जो स्थान है वो इंडिया का। इंडिया में क्या हुआ 2018 में? इंडिया में देखो पानी की काफ़ी कमी हुई बहुत सारी रीजन्स में, क्रॉप फेल हो गई बहुत सारे रीजन्स में, और कई सारे रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ भी आई जिसकी वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए। तो ये रीजन्स हैं जिसकी वजह से इंडिया का जो स्थान है इस इंडेक्स में पांचवा है। वैसे देखो 1999 से लेके 2018 के बीच इस इंडेक्स में प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती, इन देशों की जो रैंकिंग है वो टॉप पर रही है। आप मुझे ये बताइए प्यूर्टो रिको, हैती, ये कहाँ पर है, मतलब वर्ल्ड मैप में इनकी लोकेशन कहाँ पर है? ये देखो ऊपर यूएसए है, नीचे साउथ अमेरिका, और यहां पर है प्यूर्टो रिको और ये है हैती। तो इस प्रकार से हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में। चलते हैं आगे। आर्टिकल COP25 के बारे में है, और इसी आर्टिकल में हम कार्बन बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कंटेक्स्ट है? देखो UNFCCC, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 25th एडिशन की मीटिंग होगी कहाँ पर? मैड्रिड, स्पेन में। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ग्लोबल कार्बन बजट का क्या मतलब है? देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, अर्थ पर जो कार्बन रिजर्वर्स हैं, कार्बन रिजर्वर मतलब जहाँ पे कार्बन स्टोर होता है, जैसे कोई लैंड मास है या फिर एटमोस्फेयर है, अर्थ पर जो कार्बन रिजर्वर्स हैं वहां से कितना कार्बन ऐड हुआ, कितना कार्बन वहां से इमिट हुआ, सभी एक्सचेंजेस को आप टोटल कर दोगे। जैसे 10 यूनिट कार्बन ऐड हुआ, बाद में 5 यूनिट एमिट हो गया, वहां से जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं सबका आप टोटल कर दोगे और आपको हासिल हो जाएगा ग्लोबल कार्बन बजट कितना यूनिट्स हैं। किस लिए यूज होता है कार्बन बजट? कार्बन बजट का देखो इस्तेमाल किया जाता है ये पता लगाने के लिए पर्टिकुलर कोई रिजर्वर या फिर पर्टिकुलर कोई जो पूल है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा स्टोर हो रही है या फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एमिट हो रही है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्कस करें हम इसके बारे में। देखो कार्बन बजट का इसलिए भी इस्तेमाल होता है ये पता लगाने के लिए कि हमारा जो टारगेट है पेरिस क्लाइमेट चेंज का कि 2100 आते आते अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंडस्ट्रियल ईरा के टेम्परेचर से 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ना चाहिए या फिर 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, उस टारगेट को हम अचीव कर सकें इसलिए भी ये पता लगाने के लिए, ट्रैक करने के लिए एमिशन ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कार्बन बजट का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएसए का एग्जाम्पल दिया जाता है, देखो 1751 से लेकर 2017 के बीच जितना एमिशन हुआ है उसमें से 25% एमिशन तो यूएसए के द्वारा किया गया है
और यूएसए की जो पॉपुलेशन है अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 4.3% है। यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज की बात करें 1751 से लेकर 2017 के बीच इनके द्वारा टोटल 22% एमिशन किया गया है और इनकी पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 6.8% है। इंडिया ने देखो पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम एमिशन किया है। अभी वर्ल्ड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की पॉपुलेशन उसका 18% है, जबकि 1751 से लेकर 2017 के बीच इंडिया के द्वारा सिर्फ एमिशन किया गया है 3%। तो आप देख सकते हो इंडिया के द्वारा काफ़ी कम एमिशन किया गया है। ये सब जो डेटा है वो देखो सामने रखा गया है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा, जो हर साल एस्टिमेट रखती है कि कौन से देश के द्वारा कितना एमिशन किया गया जाएगा किस ईयर में। तो इस ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का ये कहना है 2019 में इंडिया का जो कार्बन एमिशन होगा पिछले साल के अपेक्षाकृत 1.8% ज़्यादा होगा। बात करें ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की, जिसके द्वारा ये सारे एस्टिमेट रखे जाते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्वांटिफाई करती है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, मतलब बताती है कि ग्लोबली ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है। 2001 में ये प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश किया गया था और 3 ग्रीन हाउस गैसेस पर फोकस करती है ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। मेन ऑब्जेक्टिव इस ग्रुप का देखो ये है कार्बन साइकिल को पूरी तरह से समझना, और काफ़ी सारे एमिशन एक्सपर्ट्स, अर्थ साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट को एक मंच पर लेके आती है ये प्रोजेक्ट, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है इस चीज़ को एड्रेस किया जा सके। इस ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा ग्लोबल कार्बन बजट भी पब्लिश किया जाता है और इसके साथ साथ ग्लोबल कार्बन एटलस भी पब्लिश किया जाता है। चलते हैं आगे, एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। IUCN के एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप की 10th मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, कहाँ पर, मलेशिया में। मलेशिया में कौन सी जगह पर, कोटा किनाबालू, ये कहाँ पर है, ये सबा में है। स्पेसिफिक जगह वैसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन मेन पूछे जाने की संभावना है एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप के बारे में। इस ग्रुप के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो 10th मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई इस ग्रुप की, उस मीटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस मीटिंग में दुनिया भर के 130 एलिफेंट कंजर्वेशनिस्ट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया। चर्चा हुई इस मीटिंग में कैसे विभिन्न एशियन कंट्रीज के द्वारा नेशनल प्लान्स को अडोप्ट किया गया है एशियन एलिफेंट्स को कंजर्व करने के लिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस पर चर्चा हुई, कैसे किन प्रैक्टिसेस की सहायता से एलिफेंट और ह्यूमन बींग्स के बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है उसे मिनिमाइज किया जा सकता है। इवन इस इशू पर भी चर्चा हुई जो एलिफेंट कैद में होते हैं, जैसे इंडिया में देखो काफ़ी सारे जो एलिफेंट्स हैं वो मंदिरों के संरक्षण में रहते हैं, तो वो एलिफेंट्स जो कैप्टिविटी में रहते हैं उनका वेलफेयर कैसे इंश्योर किया जा सकता है। इसके अलावा इस इशू पर भी चर्चा हुई किस मैकेनिज्म की सहायता से एशियन एलिफेंट्स की जो इलीगल किलिंग होती है उसे मॉनिटर किया जा सकता है, या फिर काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ ने जिन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है एलिफेंट्स को कंजर्व करने के लिए, उन प्रैक्टिसेस को एशियन एलिफेंट्स को कंजर्व करने के लिए कैसे अडोप्ट किया जा सकता है। तो इन सब इश्यूज पर चर्चा हुई एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप की 10th मीटिंग में। अब इस ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन ये बन जाता है, ये जो ग्रुप है वो IUCN का ऑर्गन है। UPSC यूं पूछ सकती है, एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप क्या ये यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन है या फिर किसी दूसरी संस्था का नाम दिया जा सकता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये IUCN का ऑर्गन है एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये एक प्रकार से ग्लोबल नेटवर्क है वेरियस स्पेशलिस्ट का। स्पेशलिस्ट में देखो कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है, नॉन साइंटिस्ट भी हो सकता है, मेन उन स्पेशलिस्ट का ये नेटवर्क है जिनका इंटरेस्ट है एशियन एलिफेंट्स को कंजर्व करने में। एम क्या है इस ग्रुप को इस्टाब्लिश करने का, एम देखो ये है एशियन एलिफेंट्स का लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन प्रमोट करना। इसके साथ साथ अगर कहीं पर एशियन एलिफेंट्स की अगर संख्या कम हुई है तो उसे फिर से नॉर्मल लेवल पर लेकर आने का प्रयास करना। ये देखो IUCN के स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का इंटीग्रल पार्ट है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ,
IUCN का ये जो स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन है ये क्या है? देखो, दुनिया भर के विभिन्न देश शामिल हैं इस नेटवर्क में। 9000 के आसपास वॉलंटियर शामिल हुए हैं एक नेटवर्क में। उस नेटवर्क का काम ये है वर्ल्ड में नेचर को प्रोटेक्ट करने की दिशा में काम करना। वही नेटवर्क है ये स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। तो अगर यूपीएससी ये भी पूछ लेती है कि स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ये किसका कमीशन है, यूनाइटेड नेशंस का है, वर्ल्ड बैंक का है, या फिर दूसरी संस्थाओं का नाम दे दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा ये IUCN का है स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। नेटवर्क है दुनिया भर के 9000 वॉलंटियर्स का नेटवर्क, काम करता है नेचर को प्रोटेक्ट करने की दिशा में। फंक्शंस क्या है एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप के? फंक्शन देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, 13 एशिया के कंट्रीज जहां पे एशियन एलिफेंट्स मिलता है वहां पे इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करना कि किस देश में कितने एलिफेंट्स हैं, कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कम है, कहां पर ज्यादा है, और एलिफेंट्स जो हैं उनका डेमोग्राफिक स्टेटस क्या है, मतलब उम्र कितनी कितनी है एलिफेंट्स की। एक साल में दो बार एक जर्नल भी पब्लिश किया जाता है एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप के द्वारा, जर्नल का नाम है गजा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ताज ट्रपेजियम जोन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक इंटरिम ऑर्डर में ताज ट्रपेजियम जोन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और पेड़ों के काटने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने उस आदेश को वापस ले लिया है। तो आपके मन में आया होगा कि ये ताज ट्रपेजियम जोन है क्या, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पर बैन लगाया था और पेड़ों के काटने पर भी बैन लगाया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है। देखो, ताज ट्रपेजियम जोन को इस्टेब्लिश किया गया था 1996 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद। ताजमहल और आसपास का एरिया आता है इस ताज ट्रपेजियम जोन में। शेप जो है एरिया की वो ट्रपेजियम है, इसी वजह से इस एरिया को कहा जाता है ताज ट्रपेजियम जोन। मान लीजिए ये ताजमहल है तो इसके आसपास का ऐसा कुछ एरिया होगा। ये एरिया है 10,400 स्क्वायर किलोमीटर। मकसद इस जोन को इस्टेब्लिश करने का ये था ताजमहल को पोल्यूशन से बचाया जा सके। वैसे देखो ये जो एरिया है वो आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, ईटा, यूपी में इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, और राजस्थान का भरतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी इस ताज ट्रपेजियम जोन में आता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अगर यूपीएससी यूं पूछ लेती है कि ताज ट्रपेजियम जोन में क्या सिर्फ यूपी का एरिया आता है या फिर यूपी के जिले आते हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। राजस्थान का भरतपुर डिस्ट्रिक्ट भी इस ताज ट्रपेजियम जोन में आता है। इसके अलावा इस जोन में 40 प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स आते हैं, 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आती हैं। कौन कौन सी? ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सिकरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में इसे इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया था और ये कहा था इस जोन में कोल या फिर कोक का जो इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में वो नहीं होगा, इंडस्ट्रीज को एनर्जी सोर्स के तौर पर नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ताज ट्रपेजियम जोन के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। आर्टिकल फ्रॉग फोन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट ने मिलकर ये फ्रॉग फोन डेवलप किया है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर्ड रिमोट सर्वे डिवाइस है। होगा क्या इस फ्रॉग फोन की सहायता से? मान लीजिए ये मेंढको का एक तालाब है, यहाँ पर 3G या फिर 4G का नेटवर्क आता है, तो इस तालाब में फ्रॉग फोन को रख दिया जाएगा और यहाँ पे ये है रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यहाँ से कॉल की जाएगी फ्रॉग फोन के पास। 3 सेकंड लगेंगे इस फ्रॉग फोन को कॉल उठाने में और इन 3 सेकंड्स में फ्रॉग फोन के जो टेम्परेचर सेंसर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और तालाब में टेम्परेचर कितना है, एयर कैसी है, काफ़ी तरह का जो डेटा है वो टेक्स्ट मैसेज की सहायता से भेज दिया उस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के पास जहाँ से कॉल आई थी। फ़ायदा देखो इस फ्रॉग फोन का ये होगा, जनरली बार बार ह्यूमन बींग्स जब जाते हैं फ्रॉग हैबिटेट्स के पास रिसर्च करने के लिए, तो
मेंढकों की जो दैनिक दिनचर्या है वो प्रभावित होती है, लेकिन अब ह्यूमन बींग्स को बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी फ्रॉग्स हैबिटेट के पास रिसर्च करने के लिए। वो मोर फ्रिक्वेंटली रिसर्च कर सकेंगे, डेटा को इकट्ठा करके बाद में उन्हें यूटिलाइज किया जा सकेगा रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए, और रिसोर्सेज भी काफ़ी बचेंगे। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया फ्रॉग फोन के बारे में। चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में है। देखो, अभी स्पेन के शहर मैड्रिड में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 25वीं मीटिंग चल रही है, और इस मौके पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में विभिन्न देशों की रैंकिंग जारी की गई। देखो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है जो विभिन्न देशों को रैंकिंग देता है इस आधार पर कि विभिन्न देशों की परफॉर्मेंस कैसी है क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करने की दिशा में। अगर देखो किसी देश ने अच्छा काम किया है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रमोशन में, एमिशंस को कम करने की दिशा में, तो उस देश को अच्छी रैंकिंग मिलेगी इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो टोटल देखो 57 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन को रैंकिंग दी गई है इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और ये जो 57 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन है, वर्ल्ड में टोटल जितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है उनमें से 90% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन इन्हीं 57 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन उठता है किसके द्वारा ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन तीनों के द्वारा मिलकर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। देखो, इस 2020 के इंडेक्स में सबसे अच्छी रैंकिंग रही है स्वीडन की। स्वीडन ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है क्लाइमेट चेंज को कम करने की दिशा में, और दूसरे नंबर पर सबसे अच्छी पोजीशन है डेनमार्क की। ये सबसे कम पोल्यूशन फैलाने वाले देश हैं, और सबसे खराब पोजीशन रही है यूएसए की, और दूसरे नंबर पर सबसे खराब पोजीशन रही है सऊदी अरेबिया की। ये टॉप मोस्ट पोल्यूटर कंट्रीज हैं इस इंडेक्स में। और इंडिया को क्या स्थान प्राप्त हुआ है, इंडिया को स्थान प्राप्त हुआ है 9वां। पहली बार इंडिया इस इंडेक्स में टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हुआ है, यानी इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है। देखो, कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, वैसे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की दिशा में इंडिया अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अभी भी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोलियम, डीजल, इन पर काफ़ी सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, उस सब्सिडी को कम करने की दिशा में सरकार ने इंटेंशंस नहीं शो की हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल पापिकोंडा नेशनल पार्क के बारे में है। क्यों न्यूज़ में है ये नेशनल पार्क, ये देखो पहली बार होगा कि इस नेशनल पार्क में तितलियों का यानी बटरफ्लाइज का सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, और किसके द्वारा ये सर्वे किया जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नॉर्थ ईस्ट एंड केरला के कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा मिलकर पापिकोंडा नेशनल पार्क में पहली बार बटरफ्लाइज का सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। ये नेशनल पार्क देखो ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। इस नेशनल पार्क की प्रोटेक्शन देखो स्टार्ट हुई थी 1882 से, उसमें ब्रिटिश काल था और ब्रिटिशर्स ने इस पापिकोंडा नेशनल पार्क को, आज तो नेशनल पार्क है लेकिन उस समय तो फॉरेस्ट था, तो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिशर्स ने इस फॉरेस्ट को 1882 में। उसके बाद 1978 में ये रिजर्व फॉरेस्ट बन गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 2008 जब आया तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया नेशनल पार्क। तो तब से लेके अभी तक ये पापिकोंडा नेशनल पार्क है, पास्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी रह चुका है और रिजर्व फॉरेस्ट भी रह चुका है। ये पार्क जो है गोदावरी रिवर के दोनों साइड फैला हुआ है, मान लीजिए गोदावरी रिवर है लेफ्ट बैंक पर भी और राइट बैंक पर भी, और ईस्टर्न घाट में पापिकोंडा हिल रेंज से बीच से होकर गुजरता है ये नेशनल पार्क। तो गोदावरी रिवर इस नेशनल पार्क के बीच से गुजरती है, तो काफ़ी सुंदर है देखने में ये नेशनल पार्क, टूरिज्म के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फ्लोरा एंड फोना जो है वो भी काफ़ी डाइवर्स हैं, टाइगर, माउस, डियर, गोर ये सब देखे जा सकते हैं इस नेशनल पार्क में। इसके अलावा फॉरेस्ट जो हैं वो हैं मोस्ट डेसिडस फॉरेस्ट। नेक्स्ट आर्टिकल कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। देखो, कर्नाटक में कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काफ़ी वाइल्ड एलिफेंट्स की डेथ हो चुकी है करंट लगने से, तो काफ़ी न्यूज़ में है ये कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।
कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी 1987 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ताकि वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है उसे प्रिजर्व किया जा सके। इसमें देखो काफ़ी रिजर्व फॉरेस्ट आता है कर्नाटक के 3 डिस्ट्रिक्ट्स का, खास करके चमाराजनगर, रामनगर और मांड्या डिस्ट्रिक्ट्स। कावेरी जो रिवर है वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री बनाती है, इसी वजह से इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो नाम है वो कावेरी रिवर के ऊपर है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर देखो काफ़ी डाइवर्सिफाइड एक्वेटिक फोना, प्रीडोमिनेंट स्पीसीज जैसे क्रोकोडाइल्स जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं, ओटर्स और हम पैक्ड मसीर फिश। इस बार यूपीएससी ने मसीर फिश के बारे में क्वेश्चन पूछा था। देखो जब भी हम कोई नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस करते हैं तो उस समय आप जरूर ध्यान दीजिए कि उस नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन कौन सी स्पीसीज मिलती हैं। जल्दी से उनको टपा मत दीजिए, एक बार गहराई से नज़र ज़रूर मारिए, क्योंकि उस नॉलेज का काफ़ी इस्तेमाल हो जाता है, काफ़ी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हो। तो हम बैग मसीर के बारे में हम डिस्कस करें, इसका साइंटिफिक नेम है टोर रेमाडेविल। ये देखो फ्रेश वाटर फिश है जिसे टाइगर ऑफ वाटर भी कहा जाता है। ये सिर्फ कावेरी रिवर बेसिन में मिलती है, इंक्लूडिंग केरला की पंबर रिवर, काबिनी रिवर और भवानी रिवर। आयुष्यन की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एशियन हाउबारा बस्टर्ड के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। पाकिस्तान की सरकार ने देखो स्पेशल परमिट दिया है कतर के अमीर और उनकी फैमिली के दूसरे सदस्यों को कि वो पाकिस्तान में आकर हाउबारा बस्टर्ड का शिकार कर सकते हैं। तो इस पर एक कॉन्ट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई है, क्योंकि हाउबारा बस्टर्ड जो है वो देखो एक इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड बर्ड स्पीसीज है। तो किस प्रकार से पाकिस्तान की सरकार कतर के अमीर को और उनके फैमिली मेंबर्स को इस प्रकार का स्पेशल परमिट दे सकती है ताकि वो हाउबारा बस्टर्ड की हंटिंग कर सकें। देखो बस्टर्ड्स के बारे में हम बात करें, ये लार्ज टेरिस्ट्रियल बर्ड्स होते हैं। टेरिस्ट्रियल बर्ड्स देखो वो बर्ड्स होते हैं जो ज़्यादातर समय ग्राउंड पर ही रहते हैं, मतलब वो ग्राउंड पर चलते हैं ज़्यादातर समय, घोंसला भी ग्राउंड पर बनाते हैं, खाते पीते ग्राउंड पर हैं, बहुत कम उड़ते हैं। तो ऐसे बर्ड्स को कहा जाता है टेरिस्ट्रियल बर्ड्स। और ये बस्टर्ड्स जो हैं इनकी देखो काफ़ी सारी स्पीसीज होती हैं, और ये तो वन ऑफ लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं, मतलब काफ़ी बड़े होते हैं ये पक्षी लेकिन उड़ते हैं। हाउबारा बस्टर्ड की स्पेसिफिकली हम बात करें, 2 अलग अलग स्पीसीज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है आयुसीएन के द्वारा, एक तो नॉर्थ अफ्रीका में और दूसरी एशिया में। ये उनके साइंटिफिक नेम हैं जो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ पे रहते हैं ये एशियन हाउबारा बस्टर्ड, मतलब इनका हैबिटेट कहाँ पर है। देखो ये नॉर्थ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में और अरेबियन पेनिनसुला में देखे जा सकते हैं। इवन सिनाई डेजर्ट जो कि इजिप्ट में है वहाँ पर भी एशियन हाउबारा बस्टर्ड्स को देखा जा सकता है। स्प्रिंग में ये ब्रीडिंग करते हैं, बसंत ऋतु में ये इनकी ब्रीडिंग होती है, उसके बाद ये माइग्रेट करते हैं साउथ में विंटर सीजन बिताने के लिए, कहाँ पर, पाकिस्तान, अरेबियन पेनिनसुला और नियर बाय साउथ वेस्ट एशिया। क्यों कम हो रही है इनकी संख्या, शिकार किया जाता है इनका बड़े लेवल पर, पोचिंग होती है, नेचुरल हैबिटेट जो है वो कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है जहाँ एरिया जहाँ पर ये रहते हैं। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, और आयुसीएन की लिस्ट में इनका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो एशियन हाउबारा बस्टर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया। एक छोटी सी रेक्टिफिकेशन है, पिछले डिस्कशन में हमने एशियन हाउबारा बस्टर्ड के बारे में डिस्कस किया था और ये बताया गया था ये एशियन हाउबारा बस्टर्ड जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है आयुसीएन की रेड लिस्ट में। वो गलत था, एक्चुअली वेरिफिकेशन करने पर ये पता लगता है कि आयुसीएन की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप रेक्टिफिकेशन कर लीजिएगा, एशियन हाउबारा बस्टर्ड ये आयुसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आर्टिकल हिमालयन गोल्ड के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। पिछले कुछ सालों से लोकल कम्युनिटीज हिमालयन गोल्ड के कलेक्शन में और हिमालयन गोल्ड के ट्रेड में लगी हुई हैं, लेकिन देखो पहले के अपेक्षाकृत आज के समय में हिमालयन गोल्ड कम मिलता है। हम बेसिक्स की बात करते हैं, ये हिमालयन गोल्ड है क्या। ये देखो एक प्रकार का फंगस है, कैटरपिलर फंगस है जो प्रे करता है यानी शिकार करता है गोस्ट मोथ कैटरपिलर का।
स्क्रीन पर ये जो आप ऊपर वाली तस्वीर देख रहे हो, ये घोस्ट मोथ कैटरपिलर है और इसी का शिकार किया जाता है एक फंगस के द्वारा जिसे कहा जाता है हिमालयन गोल्ड। नीचे है ये हिमालयन गोल्ड। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है ट्रेडिशनल तिब्बतियन और चाइनीज़ मेडिसिन में टोनिक के तौर पर। लंग, लीवर, किडनी, इनसे संबंधित प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए हिमालयन गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल डिज़ायर को बूस्ट करने के लिए भी हिमालयन गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे अक्सर हिमालयन वाइग्रा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर मिलता है ये हिमालयन गोल्ड? नेचुरली देखो, हिमालयन गोल्ड मिलता है तिब्बतियन प्लेटू में और तिब्बतियन प्लेटू के साथ हाई हिमालयस में 3200 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई पर। इसे इंडिया में जाना जाता है कीराजरी के नाम से, तिब्बत में जाना जाता है यार्थ सगुम्बू के नाम से और नेपाल में जाना जाता है यार सगुम्बा के नाम से। वैसे देखो, पर्टिकुलर हिमालयस की बात करें, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स में घास के मैदान हैं वहाँ पर ये हिमालयन गोल्ड मिलता है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बताइए कहाँ पर है ये अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये देखो उत्तराखंड में है, मस्क डियर के लिए फेमस है। यहाँ पर भी मिलता है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, ये सिक्किम में है। यहाँ पर भी मिलता है देहान दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग रिवर वहीं पर है। तो वहाँ पर भी ये हिमालयन गोल्ड मिलता है। मई के स्टार्टिंग से हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है हिमालयन गोल्ड की और जून के अंत तक हार्वेस्टिंग जो है वो चलती रहती है। काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितनी हार्वेस्टिंग होगी हिमालयन गोल्ड की, जैसे वेदर कैसा है, घास पर बर्फ़ कितनी जमी है और जहाँ से हिमालयन गोल्ड को कलेक्ट करना है उसकी ऊँचाई कितनी है। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ट्रैफिक, जो देखो एक एनजीओ है जिसका काम है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो होता है उसे मॉनिटर करना। इनका कहना है पिछले काफ़ी समय से हिमालयन गोल्ड की इलीगल ट्रेडिंग होती है, जो एक सिग्निफिकेंट इशू है। देखो, ट्रैफिक के बारे में हमने दो दिन पहले भी डिस्कस किया था, अब आप ट्रैफिक के बारे में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था 2017 में। पहली स्टेटमेंट, क्या ये ब्यूरो है जो यूएनईपी के अंडर आता है? दूसरी स्टेटमेंट, ट्रैफिक का मिशन ये है वाइल्ड लाइफ प्लांट्स में जो ट्रेड होता है और या फिर एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में जो ट्रेड होता है वो नेचर के कंजर्वेशन के लिए किसी प्रकार की थ्रेट ना हो, ये इंश्योर करना। बताइए दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही है, कौन सी गलत है? देखो, दूसरी स्टेटमेंट तो सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। याद कीजिए हमने क्या डिस्कस किया था, IUCN एंड WWF, IUCN और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का अलायंस है ये ट्रैफिक, ना कि UNEP के अंडर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हिमालयन गोल्ड के बारे में, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बार हेडेड गूस के बारे में है। गूस का मतलब होता है हंस। क्या कंटेस्ट है? बार हेडेड गूस को देखा गया है केरला के पंडालम में। केरला के पंडालम में एक वेटलैंड है जिसका नाम है क्रिंगली पुंचा। इस क्रिंगली पुंचा वेटलैंड में बार हेडेड गूस यानी बार हेडेड हंस को देखा गया है। देखो, हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें बार हेडेड गूस के बारे में। ये माइग्रेटरी बर्ड है जो ब्रीड करते हैं सेंट्रल एशिया में और मंगोलिया में, लेकिन जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ये हिमालयस को पार करके साउथ एशिया में आ जाते हैं, खास करके इंडिया में। IUCN की रेड लिस्ट में ये आते हैं लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में। और हम बात करें क्रिंगली पुंचा वेटलैंड के बारे में जहाँ पर बार हेडेड गूस को देखा गया है। ये वेटलैंड देखो केरला में लोकेटेड है। ये मेजर बर्डिंग स्पॉट है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों को देखा जा सकता है। 2015 के एशियन वाटरफॉल सेंसस में हाईएस्ट बर्ड काउंट यहीं देखने को मिला था, इसी वेटलैंड में, जिसका नाम है क्रिंगली पुंचा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इको क्लब्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पहली बार इको क्लब प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो स्टेट नोडल एजेंसीज होती हैं उनकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। हम बात करें इको क्लब्स या फिर नेशनल ग्रीन कोर्प्स के बारे में। ये देखो, प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2001-2002 में। प्रोग्राम का मकसद ये है
बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, उनको मौका देना ताकि वो इन्वायरमेंट को समझें, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को समझें। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रोग्राम के, जैसे देखो बच्चों को ऐसी नॉलेज देना कि वो अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट के बारे में जानें, उसको एक्सपीरियंस करें, उनकी प्रॉब्लम के बारे में जानें, उनको ऐसी स्किल्स दी जाएँ कि वो इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें, सर्वे कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें, ताकि इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जा सके कई सारी एक्टिविटीज़ की सहायता से। बच्चों का इन्वायरमेंट के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, कैसा एटीट्यूड कि इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा एटीट्यूड बच्चों में जागरूकता फैलाना, फील्ड विजिट्स और डिमॉन्स्ट्रेशन की सहायता से इन्वायरमेंट के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। ये प्रोग्राम देखो इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग EEAT का एक सब कंपोनेंट है, और ये EEAT जो है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा 1983-84 में। होता क्या है इस इको क्लब प्रोग्राम में, होता देखो ये है, मान लीजिए किसी स्कूल में 200-300 बच्चे हैं और उनमें से 50-60 बच्चे ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं, तो उनका क्लब बना दिया जाएगा और क्लब को सुपरवाइज किया जाएगा ऐसे टीचर के द्वारा जिसे इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी जो होगी वो सुपरवाइज करेगी, जो इंचार्ज टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा। इसके अलावा देखो इस कमेटी के द्वारा मॉनिटर भी किया जाएगा कैसे उस जिले के विभिन्न स्कूल्स में इको क्लब प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक स्टेट स्टीयरिंग कमेटी होगी जो कि इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइड करेगी, डायरेक्शंस देगी और ओवरसी करेगी। वैसे एक स्टेट नोडल एजेंसी होगी जो स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को स्टेट में कोऑर्डिनेट करेगी, और जो मास्टर ट्रेनर्स होंगे जो टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे उनके लिए ट्रेनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस स्टेट नोडल एजेंसी के द्वारा। और नेशनल लेवल पे एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी होगी जो ओवरऑल डायरेक्शंस देगी इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए और सभी लेवल्स पर लिंकेजेस इस्टाब्लिश करने के लिए। खैर ये सब चीज़ें तो पूछना मुश्किल है, UPSC वैसे ये पूछ सकती है इको क्लब प्रोग्राम किससे संबंधित है, कौन सी स्कीम का पार्ट है और कौन सी मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री तो आप जान ही जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का ये कंपोनेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल ऑक्सीजन पार्लर के बारे में है। क्या है ये ऑक्सीजन पार्लर? देखो नासिक रेलवे स्टेशन पर, महाराष्ट्र में है नासिक, और नासिक रेलवे स्टेशन पर ये ऑक्सीजन पार्लर इस्टाब्लिश किया गया है। मकसद इस ऑक्सीजन पार्लर को इस्टाब्लिश करने का ये है, जो ट्रेन यात्री हैं स्टेशन पर, जो यात्री आए हैं ट्रेन में सफ़र करने के लिए, वो क्लीन एयर को एक्सपीरियंस कर सकें रेलवे स्टेशन पर। क्योंकि देखो हवा में पोल्यूशन की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, तो रेलवे स्टेशन पर ये ऑक्सीजन पार्लर होगा तो ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्री कुछ समय के लिए एटलीस्ट फ्री एयर को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो देश का पहला ये ऑक्सीजन पार्लर इस्टाब्लिश किया गया है नासिक रेलवे स्टेशन पर, और ऑब्जेक्टिव ये है कि आगे हर एक रेलवे स्टेशन पर इस प्रकार का ऑक्सीजन पार्लर इस्टाब्लिश किया जाए। देखो इंडियन रेलवेज ने एरो गार्ड के साथ मिल के ये ऑक्सीजन पार्लर इस्टाब्लिश किया है नासिक रेलवे स्टेशन पर। एरो गार्ड जो है वो नासिक बेस्ड एक लीडिंग कंसल्टेंसी है प्लांट नर्सरीज के मामले में, यानी पौधों की जो नर्सरी होती है उससे संबंधित कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है ये कंपनी, ये फर्म जिसका नाम है एरो गार्ड। इस ऑक्सीजन पार्लर में देखो 1500 के आसपास प्लांट्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करते हैं आसपास के एरिया में। ये जो कंसेप्ट है ऑक्सीजन पार्लर इस्टाब्लिश करने का, ये देखो नासा की रिकमेंडेशंस पर इम्प्लीमेंट किया गया है, मतलब नासा ने हमारे लिए स्पेशल ऐसी रिकमेंडेशंस नहीं दी हैं। नासा ने 1989 में एक स्टडी की थी जिसमें कुछ प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, वो प्लांट्स 5 मोस्ट हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को एयर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उसी प्रकार के प्लांट्स को रखा गया है इस ऑक्सीजन पार्लर में। और ये जो ऑक्सीजन पार्लर है ये 10x10 फीट के एरिया में हवा को क्लीन करेगा
और ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्री जो रेलवे स्टेशन पर आए हैं साफ एयर को एक्सपीरियंस कर सकेंगे इस ऑक्सीजन पार्लर में आके। तो अगर यूपीएससी पूछे देश का पहला ऑक्सीजन पार्लर कहां पर इस्टेब्लिश किया गया है, नासिक रेलवे स्टेशन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वाटर हायसिंथ के बारे में है। देखो वाटर हायसिंथ एक पेरिनियल एक्वेटिक प्लांट है। पेरिनियल का मतलब होता है सदाबहार। आपने काफ़ी बार तालाब या फिर झील में वाटर हायसिंथ को देखा होगा फ्री फ्लोटिंग स्टेट में, यानी पानी के सरफेस पर तैरते हुए। देखो वाटर हायसिंथ एक इन्वेसिव स्पीसीज है। कहते हैं हम एक वाटर हायसिंथ प्लांट 9 दिनों में दूसरे वाटर हायसिंथ प्लांट को प्रोड्यूस कर देता है, मतलब एक के दो हो जाते हैं 9 दिनों के अंदर अंदर। इन्वेसिव स्पीसीज देखो वो स्पीसीज होती हैं जो नेचुरली उस रीजन में नहीं रहती हैं लेकिन उस रीजन में आ गई हैं और अब बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रही हैं। जैसे ये नीले वाली जो स्पीसीज हैं वो इस एरिया में रहती हैं, लाल वाली नहीं रहती हैं, और लाल वाली जो हैं वो इन्वेसिव स्पीसीज हैं। और जैसे ही लाल वाली इस रीजन में इंट्रोड्यूस हुई धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और लोकल जो बायोडाइवर्सिटी थी वो कम होती रही। ऐसी स्पीसीज को कहा जाता है इन्वेसिव स्पीसीज। देखो वाटर हायसिंथ की वजह से बहुत नुकसान होता है। जैसे झील में वाटर हायसिंथ ऊपर सरफेस पर रहता है उनकी संख्या बढ़ती जाती है, एक स्टेज ऐसी आती है नीचे ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है, इतनी इनकी संख्या बढ़ जाती है तो नीचे जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये सब नुकसान होते हैं वाटर हायसिंथ की वजह से। लेकिन अब एक फायदा डिस्कवर किया गया है वाटर हायसिंथ की वजह से। क्या फायदा है? वाटर हायसिंथ का इस्तेमाल किया जा सकता है हर्बिसाइड को डिटेक्ट करने के लिए। एक फेमस हर्बिसाइड है प्रेटिलेक्लोर। यहां पर देखो प्रेटिलेक्लोर ये एक फेमस हर्बिसाइड है। हर्ब मतलब अनवांटेड प्लांट और साइड का मतलब अनवांटेड प्लांट को मारना। तो इस हर्बिसाइड को डिटेक्ट करने के लिए वाटर हायसिंथ का इस्तेमाल किया जा सकता है। वाटर हायसिंथ को देखो क्लोरोफिल के बिना पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में गर्म किया जाता है 150 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसके कार्बन डॉट बन जाते हैं। देखो अगर नैनो पार्टिकल 10 नैनोमीटर से छोटा है तो उसे डॉट या फिर नैनो डॉट आप बोल सकते हो। तो कार्बन डॉट बन जाते हैं वाटर हायसिंथ के अगर ये प्रोसेस अपनाई जाती है। पहले पाउडर में कन्वर्ट किया गया क्लोरोफिल के बिना वाटर हायसिंथ को और उसके बाद 150 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया तो वाटर हायसिंथ जो है वो कार्बन डॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और देखो कार्बन डॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर्बिसाइड प्रेटिलेक्लोर को डिटेक्ट करने के लिए। होता क्या है, कार्बन डॉट अल्ट्रावायलेट लाइट में हरे रंग की रोशनी देते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, कार्बन डॉट अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में हरे रंग की रोशनी देते हैं, क्योंकि देखो कार्बन डॉट के सरफेस पर ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और जब देखो कार्बन डॉट के आसपास हर्बिसाइड प्रेटिलेक्लर होता है तो ये हरे रंग की जो रोशनी है उसकी इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो पता लग जाता है कि आसपास कोई हर्बिसाइड है, तो आसानी से हर्बिसाइड को डिटेक्ट किया जा सकता है कार्बन डॉट की सहायता से, और कार्बन डॉट को प्रिपेयर किया जा सकता है वाटर हायसिंथ की सहायता से। वैसे देखो अभी जो दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हर्बिसाइड को डिटेक्ट करने के लिए वो काफी महंगे पड़ते हैं, लेकिन वाटर हायसिंथ की सहायता से अब कार्बन डॉट प्रिपेयर करके आसानी से हर्बिसाइड को डिटेक्ट किया जा सकता है। चलते हैं आगे। वैसे देखो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी और इन्फॉर्मेशन भी है। वाटर हायसिंथ जो नेचुरली मिलता है साउथ अमेरिका में और इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया ये लोकल इकोलॉजी और लोकल लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। ये इन्वेसिव स्पीसीज हैं और इसकी वजह से इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, नेविगेशन ये सब भी प्रभावित होते हैं। फिश प्रोडक्शन कम हो जाता है, एक्वेटिक क्रॉप्स और मॉस्किटो की वजह से जो डिजीज हैं वो बढ़ जाते हैं वाटर हायसिंथ की वजह से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जल जीवन मिशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो जल जीवन मिशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं कि कैसे इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो जारी कर दी गई हैं सरकार के द्वारा। इस मिशन को वैसे अनाउंस किया गया था अगस्त 2019 में। इस मिशन का मकसद ये है 2024 आते आते हमारे देश में जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं, यानी हमारे देश में रूरल इलाकों में जितने भी घर हैं वहाँ पर फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन प्रोवाइड करना। सिंपल भाषा में बात करें जो हमारा
टेप होता है, मतलब टूटी नल, नल जिसे कहा जाता है, नल कनेक्शन प्रोवाइड करना 2024 आते आते हर एक रूरल हाउस होल्ड में, मतलब पानी भी आता हो। फंक्शनल का मतलब है सिर्फ नल कनेक्शन से काम नहीं चलेगा, पानी भी आना जरूरी है। ऐसा कनेक्शन प्रोवाइड करना 2024 तक हर एक रूरल हाउस होल्ड में। जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव ये भी है ऐसा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जिसकी सहायता से रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सके, मतलब रेन वाटर को बचाकर एक जगह इकट्ठा किया जा सके बाद में इस्तेमाल करने के लिए। ग्राउंड वाटर का लेवल, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो ऊपर आए, रिचार्ज किया जाए ग्राउंड वाटर को, और घरों में जो पानी वेस्ट हो जाता है उसका मैनेजमेंट अच्छे से हो ताकि उसी पानी का इस्तेमाल किया जा सके फर्दर एग्रीकल्चर में। तो ये भी ऑब्जेक्टिव्स शामिल हैं इस जल जीवन मिशन में। मिशन देखो काफ़ी सारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को कन्वर्ज करेगा ताकि सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है पूरे देश में उसे अचीव किया जा सके। एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है इस मिशन के लिए? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, यानी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इस मिशन के लिए। नई जो गाइडलाइंस अब जारी की गई हैं इस मिशन की इंप्लीमेंटेशन के लिए, उनमें मेन जो फोकस है वो देखो ग्राम पंचायत पर है। ग्राम पंचायत चूंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है पानी को कंजर्व करने में और पानी के लिए आवश्यक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इस्टेब्लिश करने में, इसलिए उनको अहम रोल दिया गया है। ग्राम पंचायत वाटर सप्लाई सिस्टम को मेंटेन करेगा, रन करेगा अपनी कम्युनिटी में, और ग्राम पंचायत ही वाटर को यूज करने के लिए चार्जेस यानी फीस कलेक्ट करेगी। वैसे देखो वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए इस मिशन का जो इंप्लीमेंटेशन है वो स्टेट्स के थ्रू ही हो सकता है। फंडिंग पैटर्न की बात करें, अगर देखो कोई हिमालयन स्टेट है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो 10% पैसा उन स्टेट से आएगा और 90% सेंट्रल गवर्नमेंट से, और बाकी बचे हुए जो स्टेट्स हैं उनसे 50-50 का शेयरिंग होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा पैसा बचे हुए स्टेट्स। और अगर कोई यूटी है तो सारा का सारा पैसा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ और इन्फॉर्मेशन है, ये सारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए जाएंगे इस मिशन की इंप्लीमेंटेशन के लिए। सेंट्रल लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाएगा, नेशनल जल जीवन मिशन, स्टेट लेवल पे स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, और लोकल लेवल पर ग्राम पंचायत या फिर उनकी सब कमेटीज जैसे कि विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी या फिर जिसे हिंदी में कहा जाता है पानी समिति। फंड को रिलीज किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक सिंगल नोडल अकाउंट में, जिसको मेंटेन किया जाएगा किसके द्वारा? SWSM यानी स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा देना है स्टेट गवर्नमेंट को, वो एक नोडल अकाउंट में सेंड करेगी और उस नोडल अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन के द्वारा। और देखो वैसे पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करता है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा फंड्स को ट्रैक करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जल जीवन मिशन के बारे में। चलते हैं आगे, ये देखो ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए। 2019-20 के बजट के दौरान भी इस मिशन के बारे में कहा गया था हमारे वित्त मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल तिब्बतन गजल्स के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है, हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, तिब्बतन गजल्स की जो संख्या है वो पहले की अपेक्षाकृत इंप्रूव हुई है। तिब्बतन गजल्स को गोवा के नाम से भी जाना जाता है। ये एंटीलोप की एक स्पीसीज है। एंटीलोप देखो हिरन की तरह ही एक एनिमल होता है, और ये तिब्बतन गजल्स यानी गोवा कहाँ पर रहते हैं? ये मेनली देखो तिब्बतन प्लेट्यू में रहते हैं, IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन कैटेगरी में आते हैं। इनका जो फर होता है, फर मतलब एनिमल्स की स्किन पर जो थिक हेयर्स होते हैं उन्हें फर बोल दिया जाता है। तो इनका जो फर होता है, फर के नीचे कोई अंडरकोट नहीं होता, लेकिन बाल जो होते हैं वो इतने घने होते हैं जो इनको बचा लेते हैं ठंड से। और वैसे देखो यहाँ पर एरियाज के नाम दिए हुए हैं कहाँ कहाँ पर तिब्बतन गजल्स मिलते हैं। चाइना के प्रोविंसेस हैं गांसू, सिंगजियांग, तिब्बत, किंगहाई और सिचुआन। चाइना के इन प्रोविंसेस में तिब्बतन गजल्स मिलते हैं, और थोड़े से तिब्बत गजल्स हमारे इंडिया में भी मिलते हैं, लद्दाख और सिक्किम के रीजन में।
तो ये हमने तिब्बतन गजल्स यानी गोवा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल रेड सैंड बोआ स्नेक के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, 5 पर्सन के कब्जे से एक रेड सैंड बोआ स्नेक पकड़ा गया जिसकी कीमत थी 1,25,00,000। वो इसे मध्य प्रदेश में बेचने के लिए ले जा रहे थे। हम बात करें रेड सैंड बोआ स्नेक के बारे में, ये देखो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ स्नेक है और इसमें जहर नहीं होता। इस स्नेक का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन्स बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स में और काले जादू में, और इस वजह से इस रेड सैंड बोआ स्नेक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में। ये स्नेक जो है वो पूरे इंडिया में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल को छोड़ के, और इवन जो इंडियन आइलैंड्स हैं वहाँ पर भी ये स्नेक नहीं मिलता है। इसे देखो दो मुहा सांप भी कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए इस सांप की जो पूंछ है वो किस प्रकार की है। पूंछ में भी यूं लगता है जैसे ये सांप का मुंह है, तो इसलिए कुछ लोग इसे दो मुहा सांप बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में के अंतर्गत इस सांप को रखना, इसका व्यापार करना, ये एक ऑफेंस है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में आता है ये सांप। साइट्स जो कि कन्वेंशन है इनडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, इस कन्वेंशन की अपेंडिक्स 2 में आता है रेड सैंड बोआ स्नेक। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ट्रैफिक के बारे में है। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है ट्रैफिक पर 2017 में। है क्या ट्रैफिक? ये देखो एनजीओ है जो वर्ल्ड में वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड प्लांट्स का जो ट्रेड होता है उसे मॉनिटर करता है। तो सिंपल भाषा में कहें तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है IUCN के बीच और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बीच यानी WWF के बीच। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यूपीएससी सीधा सीधा यूं पूछेगी ट्रैफिक क्या UNEP का पार्ट है? नहीं, ये IUCN प्लस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का अलायंस है। मिशन जैसा हमने डिस्कस किया ये है कि वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स के ट्रेड को इस प्रकार से मॉनिटर करना ताकि ये इंश्योर किया जा सके वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स के ट्रेड से नेचर के कंजर्वेशन को कोई खतरा नहीं है। तो इस ट्रैफिक यानी वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क के द्वारा देखो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को टैकल किया जाता है काफ़ी टूल्स की सहायता से, जैसे रिसर्च कंडक्ट करके, ऑलरेडी जो रिसर्च है उसका एनालिसिस करके, अवेयरनेस फैला के, और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो उसे सपोर्ट करके। तो ये हमने ट्रैफिक बॉडी के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। देखिए, अभी IUCN ने एक रिपोर्ट रिलीज करी जिसका टाइटल था ओशन डी ऑक्सीजनेशन एवरीवन्स प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये जो टर्म है ओशन डी ऑक्सीजनेशन ये न्यूज में आ गया है, तो इसीलिए ये UPSC पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्या होता है, पहले अब हम ये समझते हैं कि ओशन डी ऑक्सीजनेशन होता क्या है। तो देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ओशन में से ऑक्सीजन का डी होना, डी मतलब निकल जाना, यानी इट मींस लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ओशंस। अब ऑक्सीजन ओशन से चली गई, यानी वहाँ पे जो प्लांट लाइफ है वहाँ की जो एनिमल लाइफ है वो इफेक्ट करेगी, एंड एज अ रिजल्ट वहाँ पे जो एनिमल लाइफ है वो उसकी लॉस हो जाएगा एंड डेथ हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को कहते हैं हम ओशन डीऑक्सीजनेशन, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ओशन। अब देखिए, ओशन पे अगर हम लोग स्टडी करें तो ओशन में ऑक्सीजन आती कहाँ से? तो देखिए, ओशन के अंदर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। अब प्लांट्स का काम है फोटोसिंथेसिस करना एंड ऑक्सीजन को रिलीज करना। तो प्लांट के जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे ऑक्सीजन आती है, एंड उस ऑक्सीजन को जो वहाँ की जो एनिमल लाइफ होती है जैसे फिश एक्सेट्रा वो ब्रीद करते हैं, एंड इस तरीके से जो साइकिल है वो चलती है। अब अगर क्या है कि ऑक्सीजन पानी से चली जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसे वाटर को कहते हैं एनॉक्सिक वाटर्स, यानी द एरियाज विच आर डिप्लीटेड ऑफ ऑक्सीजन। एंड इस रिपोर्ट के हिसाब से जो ऐसे जो एनॉक्सिक वाटर्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो अब क्वाड्रपल कर चुका है, तो इसीलिए ये रिपोर्ट आई है। अब देखिए, कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे ऐसी लो ऑक्सीजन है? तो बाल्टिक सी एंड ब्लैक सी दो एरियाज है जहाँ पे ऐसे जो डी ऑक्सीजनेशन है उसका फिनोमेना देखने को मिलता है। एंड इसी कंटेक्स्ट में ये जो IUCN की रिपोर्ट आई है ये भी इसी चीज़ को हाईलाइट करती है।
नेक्स्ट आर्टिकल है 2019 पॉल्यूशन एंड हेल्थ मैट्रिक्स के बारे में, क्या कंटेक्स्ट है? तो देखिए, ये भी एक रिपोर्ट आई है, एंड ये रिपोर्ट कौन लॉन्च किया है? ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन, इसने ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज किया है, जिसका नाम है द 2019 पॉल्यूशन एंड हेल्थ मैट्रिक्स ग्लोबल रीजनल एंड कंट्री एनालिसिस। तो देखिए, एज सच ये रिपोर्ट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी बहुत बड़ी बॉडीज की रिपोर्ट पूछता है, एंड ये तो बहुत ही छोटी सी बॉडी है। बट हाँ, हम इसके डेटा को मेंस में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो क्या इसका डेटा बताता है? इसका डेटा ये बताता है कि जो पल्यूशन है वो अभी तक लार्जेस्ट एनवायरमेंटल थ्रेट रहा है, स्पेशली टू हेल्थ। एंड 2017 में जो पल्यूशन के कारण जो डेथ हुई थी, वो लगभग 15% जो डेथ हुई है पूरे वर्ल्ड में, वो पल्यूशन के कारण हुई है। फिर उसके बाद देखिए, ये डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स के बारे में बता, जिसका मतलब है कि कितने दिन या कितने साल एक डिसेबिलिटी वाले जो बंदे हैं उसके खराब हुए ड्यू टू इल हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, तो इसके बारे में भी ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बताती है। फिर देखिए, ये रिपोर्ट इंडिया के जो पॉल्यूशन लेवल है उसको भी एनालाइज करती है, एंड वो बताती है कि इंडिया में देखिए इंडस्ट्रियल एंड व्हीक्यूलर पॉल्यूशन वो काफ़ी ज़्यादा अर्बन ग्रोथ की वजह से बढ़ गया है। सैनिटेशन कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा पुअर है, जिसकी वजह से इंडोर जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है। फिर हम देखिए थोड़ा सा इस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में भी बात कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, ये एक कोलैबोरेटिव बॉडी है, एंड इसके 60 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। एंड क्या इसका बेसिक मकसद है? तो देखिए, वही कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको इकट्ठा करती है, फिर सॉल्यूशंस बताती है कि क्या पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, उन पे रिसर्च करती है, एनालाइज करती है। यही सब देखिए इंपॉर्टेंट है। फिर बनी कब थी? तो ये बॉडी 2012 में बनी थी, एंड इसके प्रोमिनेंट मेंबर्स के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक मेंबर है, यूएनईपी मेंबर है, यूएनडीपी मेंबर है, एशियन डेवलपमेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। एंड लगभग 25 जो है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज वो भी इसके मेंबर्स हैं। तो एक काइंड ऑफ एक मिक्स्ड बॉडी है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन क्या है ये बॉडी। फिर ऑब्जेक्टिव तो ये देखिए कि आपका ये पब्लिक पॉलिटिकल टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट को गैदर करने की कोशिश करता है कि भाई जो पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स है उनको टैकल किया जा सके, ट्रैक किया जा सके, क्या उनके इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, कैसे हम बचा जा सकते हैं, यही सब देखिए नॉर्मल सी जो बातें हैं वही है। नेक्स्ट आर्टिकल है इन्वायरमेंटल माइग्रेशन के बारे में। तो क्या क्या है होता है, पहले हम लोग थोड़ा सा इन्वायरमेंटल माइग्रेंट्स को समझते हैं, फिर हम लोग इस कंटेक्स को जानेंगे। तो देखिए, जो ऐसा माइग्रेशन जो इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से हो, तो ऐसे माइग्रेशन को इन्वायरमेंटल माइग्रेशन कहते हैं। यानी सच पीपल हु लीव देयर होम बिकॉज ऑफ सडन और प्रोग्रेसिव चेंज इन द एनवायरमेंट। जैसे अगर आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लड्स हो गया है, तो उस फ्लड के कारण जो ये किसान है वो अपने छोड़ के वापस जा रहे हैं, तो ऐसे लोग को आप इन्वायरमेंटल माइग्रेंट्स कहोगे। अब देखिए, अगर इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, ये एक बॉडी है, अगर इसकी हम लोग रिपोर्ट्स को स्टडी करें, तो 2008 से एक एवरेज 26.4 मिलियन पर्सन्स अराउंड द वर्ल्ड दे हैव बीन फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड बाय फ्लड्स, विंड स्टॉर्म, अर्थक्वेक, ड्राउट्स। तो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट का माइग्रेशन हो रहा है, ऐसे लोग को माइग्रेट करना पड़ रहा है। अब देखिए, इन्वायरमेंटल रेफ्यूजीज भी, कभी कभी आप लोगों ने प्रॉब्लम सुनी होगी कि ऐसा पढ़ा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन्वायरमेंटल रेफ्यूजी की प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, ये एक स्पेसिफिक टर्म है, एंड ये कवर करता है जो क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, ए कंट्री से छोड़ के आप बी कंट्री चले गए, अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो वो आपका रेफ्यूजी की जो कंडीशन है उसमें नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, ये कुछ सर्टेन राइट्स प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो लोग माइग्रेंट्स हैं, एंड जो लोगों को परसिक्यूशन के डर से किसी भी रीज़न से उन्हें अपना जो देश है वो छोड़ के भागना पड़ रहा है। जैसे आप कह सकते हो जो म्यांमार के जो रोहिंग्यास थे, ठीक है, तो वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। एंड फिर वही चीज़ कि अगर क्रॉस बॉर्डर अगर डिस्प्लेसमेंट हो, एंड
क्लाइमेट चेंज की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जैसे सपोज करिए बाढ़ आ गई तो एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले गए, तो ऐसे लोगों को रेफ्यूजीज कहलाया जाता है अंडर द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन। ऐसे लोग को इन्वायरमेंटल रेफ्यूजी नहीं कहा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए रेफ्यूजी ये तब माना जाता है जबकि पर्सिक्यूशन के थ्रेट से आया है, बट अगर वही कोई इन्वायरमेंटल थ्रेट से आया है तो इन्वायरमेंटल थ्रेट से लोगों को, ऐसे लोग को रेफ्यूजी नहीं मानता 1951 का कन्वेंशन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड जब ऐसे लोगों को रेफ्यूजी नहीं माना जाएगा जो इन्वायरमेंट की वजह से आ रहे हैं, तो ऐसे लोग पे कोई कोई कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि ऐसे लोग को प्रोटेक्शन दिया जाए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट एक क्राइटेरिया नहीं है टू ट्रीट रेफ्यूजी अंडर द यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951। तो ये प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है अर्बन फायर्स के लिए। तो देखिए अभी ये प्रीलिम्स में भी हमने जो एडिटोरियल में भी ये चीज़ डिस्कस कही थी कि दिल्ली में जो अनाज मंडी का एरिया है वहाँ पे एक फायर लग गई थी एंड 43 पीपल इसमें किल्ड हो गए थे। तो देखिए इसमें मेन तो ये मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये अर्बन फायर लग जाती है, क्या क्या कॉज है, इसको एडिटोरियल में काफ़ी अच्छा हमने डिस्कशन किया था। बट हाँ हम लोग थोड़ा सा फायर सेफ्टी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए फायर सेफ्टी हमारे यहाँ स्टेट सब्जेक्ट आता है एंड ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू टैकल ऑल दीज अर्बन फायर्स। फिर उसके बाद देखिए जो नेशनल बिल्डिंग कोड है ये एक बेसिक मॉडल कोड होता है इंडिया में, जो कि आपका अर्बन फायर्स के रिगार्डिंग जितना भी जो सेफ्टी है, कंस्ट्रक्शन है, इन सब से ये डील करता है। फिर देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भी लगभग 150 स्टैंडर्ड्स को डिक्लेयर किया है कि क्या होने चाहिए वो फायर सेफ्टी के लिए एंड क्या फायर फाइटिंग का जो इक्विपमेंट है जो बिल्डिंग्स में लगा है वो सही है या नहीं, बेसिकली ये है। फिर उसके बाद जो द मॉडल बिल्डिंग बाय लॉस 2003 है ये भी देखिए इसके अंडर क्या होता है कि जो चीफ फायर ऑफिसर है ये एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जाहिर मतलब रिलीज करता है जिसको जिससे पता चलता है कि आपकी जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है वो सेफ्टी फायर पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है। तो देखिए ये सब ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम लोग देख ले रहे हैं, इससे एज सच क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।